तो कल Redmi Note 10s में एक लेटेस्ट अपडेट आया था MIUI 12.5.11 का अपडेट, जो कि MIUI 12.5 Enhanced Edition के ऊपर बेस्ड है। और इस अपडेट को बहुत सारे यूजर्स ने इंस्टॉल कर लिया था और बहुत लोगों का सवाल ये था कि भाई इस अपडेट में क्या बैटरी बैकअप इशू फिक्स हुआ या नहीं, चार्जिंग इशू फिक्स हुआ या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या Redmi Note 10s में अपडेट के बाद बैटरी ड्रेन इशू फिक्स हुआ है या नहीं। इसी के साथ मैं कुछ टिप्स भी आपको बताऊं कि जिससे आप अपने डिवाइस का बैटरी भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डिवाइस का बैटरी को भी चेक कर सकते हैं कि आपका बैटरी नॉर्मल यूज हो रहा है या बहुत ज्यादा ड्रेन हो रहा है, और जो आपका चार्जिंग इश्यू है उसे भी आप इजीली फिक्स कर सकते हैं, साथ में बैटरी बैकअप को भी इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर कहीं से भी पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको चेक कर देता हूं कि व्हाट इज न्यू में आपको क्या चेंजेस मिलता है। जैसे कि यहां पे देख सकते हैं ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, इंप्रूवमेंट सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे मोटे फीचर्स मिला है जिसका वीडियो आपको आई बटन में देखने को मिलेगा, मेमोरी एक्सटेंशन, वॉइस चेंजर वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की कि आपका बैटरी ड्रेन इशू फिक्स हुआ या नहीं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पे। जी हाँ, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है, इसे आप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ मैंने नीचे कुछ बैटरी से रिलेटेड पिक्चर शेयर किया था। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने टोटल 2 hours 45 minutes अपने डिवाइस को कंटिन्यूसली यूज किया था ऑन स्क्रीन, जिसमें से स्क्रीन मेरा 7% बैटरी यूज किया था। एंड्रॉइड सिस्टम यानी कि डिवाइस मेरा 23% बैटरी यूज किया है, और ज्यादातर मैं इस डिवाइस में गेम खेलता हूँ क्योंकि Redmi Note 10s एक गेमिंग डिवाइस है। और जो गेम मैं खेल रहा था वो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया था यानी कि BGMI, जिसमें 27% बैटरी मेरा कंज्यूम किया है। और मेरा टोटल जो बैटरी था वो 96% था, जो कि 54% में आके स्टॉप हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और टोटल मैंने 2 hours 45 minutes अपने डिवाइस को कंटिन्यूसली ऑन स्क्रीन यहाँ पे यूज किया है। तो लगभग मेरे डिवाइस में 35-40% तक का बैटरी यूज हुआ है, जो कि नॉर्मल है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की कि अपडेट के बाद Redmi Note 10s में बैटरी बैकअप का इशू फिक्स हुआ या नहीं। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले सिक्योरिटी एप्लीकेशन को आपको अपडेट करना है। अपडेट कर लेने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको आ जाना है बैटरी स्टेटस पे। बैटरी स्टेटस पे आने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए। अब नीचे आपको कुछ ग्राफ मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर का, जैसे कि बैटरी यूज स्टेटस, दूसरा है चार्जिंग स्टेटस जो कि ग्रीन कलर में, और तीसरा है रेड कलर में ड्रेन बैटरी। जी हाँ, इन तीनों पॉइंट से आप अपने डिवाइस के बैटरी स्टेटस को जान सकते हैं कि आपका बैटरी नॉर्मल यूज है या बहुत ज्यादा ड्रेन हो रहा है। अगर आपका ग्राफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्राफ है, अगर ब्लू कलर में है तो बैटरी यूजिंग स्टेटस जो है वो कम्प्लीटली नॉर्मल है, कोई भी इशू नहीं है। और अगर ये ग्रीन में दिख रहा है तो आपने अपने डिवाइस को चार्जिंग में लगाया। और अगर बहुत ज्यादा ड्रेन हो रहा है, कोई भी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा ड्रेन कर रहा है, तो यहाँ पे रेड कलर का ग्राफ दिखाएगा जो कि बैटरी ड्रेन इशू का रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमारे डिवाइस में ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है, कम्प्लीटली ये ब्लू कलर में, यानी कि बैटरी स्टेटस जो कम्प्लीटली नॉर्मल है। तो अपडेट के बाद बैटरी बैकअप जो है कम्प्लीटली फिक्स हो चुका है। और बात रही चार्जिंग स्टेटस का कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका चार्जर फास्ट चार्जिंग वर्क कर रहा है या नहीं, तो देखिए जैसे आप अपने डिवाइस को चार्ज में लगाएंगे तो ऑन स्क्रीन एक एनिमेशन आता है जिसमें टोटल 3 टाइप के ऑप्शन मिलता है। पहला आपका नॉर्मल चार्ज रहेगा, उसके बाद आपका रहेगा क्विक चार्जिंग, तीसरा जो रहेगा वो मैक्स या फास्ट चार्जिंग रहेगा, जो कि 33 वाट का चार्जर रहेगा या आपके डिवाइस में बूस्ट चार्जिंग का सपोर्ट रहेगा, तब जाके ये शो करता है। और एक चीज आपको चार्जिंग में ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे मेरा ये ओरिजिनल चार्जर है, आपका भी ओरिजिनल चार्जर रहना चाहिए, ओरिजिनल केबल रहना चाहिए। और एक चीज हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि जब भी हम लोग चार्ज वगैरह लगाते हैं तो कभी कभार जो पिन है वो कुछ इस तरह सा इंसर्ट रहता है, तो इसको आपको कंप्लीटली प्लग इन करना है, उसके बाद जाके आपके डिवाइस को चार्ज में लगाना है। इससे भी आपका काफी ज्यादा चार्जिंग में इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा और धीरे चार्ज होता है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा मैं टिप्स बता देता हूं कि आपको बैटरी सेविंग कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको आना सिक्योरिटी एप्लीकेशन में, उसके बाद यहाँ पे आपको फिक्स बैटरी इशू मिल जाएगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डिवाइस जिस वजह से बैटरी ड्रेन हो रहा है वहां पे आपका ये ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, इस सब का बैटरी ड्रेन इशू फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे जो पहला जो ऑप्शन है टर्न ऑफ डेटा व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, यहाँ पे आपको 30 मिनट कर देना है। दूसरा वाला भी आपको 30 मिनट या 10 मिनट कर दीजिए। इसी के साथ यहाँ पे बैटरी सेवर, यहाँ पे आप बैटरी सेविंग भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन मेरा इनेबल है, सभी चीज आपको यहाँ पे इनेबल करके रखना होगा, उसके बाद ही आपके डिवाइस का बैटरी बैकअप काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और हम लोग बेसिकली करते क्या है कि अपने डिवाइस को यूज करते और लॉक करते और अपने डिवाइस को ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे डेटा कनेक्शन सबसे पहले डिसेबल करना है, इसी के साथ यहाँ पे ऐसे रिसेंट एप्लीकेशन को ओपन करना और देखना है कि आपने कौन कौन से एप्लीकेशन अभी भी ओपन करके रखा हुआ है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है बैकग्राउंड में रन करते रहता है, तो इसे भी आपको यहाँ से रिमूव करना जरूरी है, तब जाके आपका बैटरी बैकअप का इश्यू जो है वो कम्प्लीटली फिक्स होगा और काफी ज्यादा इंप्रूव भी होगा। तो यही था अपडेट के बाद कि Redmi Note 10s में बैटरी बैकअप फिक्स हुआ है, चार्जिंग इश्यू फिक्स हुआ है, वो सभी चीज मैंने आज की इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया है।
तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर कहीं से भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ आपको पर्सनली कोई हेल्प चाहिए या सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।